क्या बात किया, जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को बुलाए। समाज में दो टुकड़े करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने आपका अपमान किया, जिस प्रकार से पूरे सदन का अपमान किया, इसी प्रकार से पूरे देश का अपमान, जल्द प्राइम मिनिस्टर को बुलाए। प्रधानमंत्री जी के लिए आपका प्रेम भाव बहुत प्रकाष्ठा पर है, पर इस विषय पर मैं मेरा निर्णय दे चुका हूँ। नहीं साहब, और मैंने नीतिगत निर्णय दिया है, विधिवत सम्मत निर्णय दिया है। मैंने जिस सचिव को जब आपने लिस्ट कर दिया, आपने ऑलरेडी ये परमिशन दे दी है, अच्छी सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब अगर इसका वंशा चर्चा लेकिन जब चाहे एक ही बात, सदन के सभी मेंबर्स के प्रिविलेज को खत्म करते हैं। इनकी इच्छा ही नहीं है चर्चा की, इनकी इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर की चर्चा से भागे। और हमारे सबके प्रिविलेज का क्या, मैं माफ करता हूँ कि इनके ऊपर प्रिविलेज क्या है, हम सबके प्रिविलेजेस का अपमान कर रहे हैं, संसदीय कार्यवाही का अपमान कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है डिबेट हो, इन्होंने आपका अपमान किया, आपने मिस किया, उसके बावजूद चोड़ापुर में डिस्ट्रिक्ट में वहां पर इतनी गड़बड़ी हो गई, पूरे लोग मणिपुर को तो बर्बाद किए, मणिपुर को डिवाइड करने वाले लोग ऑल इंडिया की बात करते हैं, यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर को तोड़ दिए हैं और मणिपुर का बोलने की मांग कर रही है, वहां पर तो मणिपुर के दो टुकड़े कर दिए, समाज में दो टुकड़े कर दिए, ट्राइबल में दो टुकड़े कर दिए, सर ये बार बार खत्म कर दिए। इनका जो व्यवहार है, जिस प्रकार से इन्होंने आपका अपमान किया, जिस प्रकार से पूरे सदन का अपमान कर, इसी प्रकार से पूरे देश का अपमान कर, ये बातचीत से डरते, ये चर्चा से भागते और फिर आके रोज सदन के प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं। ये रोज वही मोशन लेके आते हैं। जब आपने लिस्ट कर दिया मणिपुर के ऊपर चर्चा लिस्ट हुई, तब इन्होंने क्यों अपार किया सदन का? हम करेंगे, बुलाइए, बहस करेंगे,